अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज आप दोस्तों को थारोब्रेड जो घोड़ियां हैं इनका शौक़ करवाते हैं। थारोब्रेड घोड़ियां दोस्त बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये रेसों के अंदर इस्तेमाल होती हैं और पाकिस्तान के अंदर इनका जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा है और इंडिया के अंदर भी इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो USA के अंदर जो बड़ी रेसेस होती हैं उसके अंदर ये घोड़ियां हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा एक रेस होने जा रही है 1000 किलोमीटर की, कोलंबिया के अंदर है। किधर है जी? बिल्कुल वो कोलंबिया के अंदर है। हाँ, कोलंबिया के अंदर एग्जैक्ट नहीं पता। अगर दोस्तों आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं नाम भूल गया हूँ। हमारे एक दोस्त हैं उकाड़ा से, मौज़म भट्टी साहब, वो हिस्सा ले रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 4 दोस्त जा रहे हैं जिनमें मौज़म भट्टी साहब भी शामिल हैं। तो मौज़म भट्टी साहब जब उधर पहुंचेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन भी देंगे और जो शहर है वो एग्जैक्ट हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं भूल गया हूँ, मंगोलिया की बात कर रहे थे वो। अच्छा, जो वो रेस होने जा रही है वो अरबी घोड़ों की रेस होने जा रही है। हाँ। और 1000 किलोमीटर की, जिसके अंदर उसकी घोड़े की हार्ट बीट का भी पूरा सेंसर सिस्टम उन्होंने लगाया होता है। उन्होंने हार्ट बीट उनकी जो 140 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 140 से ज़्यादा उसको फील होगी तो वो सवार ने उसके साथ भागना जी। और कहीं भी उसकी रात होती है, दिन होती है, तो उसने वहाँ पर ही ट्राव करना घोड़े के साथ। यानी कि थारोब्रेड उधर नहीं जाएंगे? उधर रेबियन की है, रेबियन सबसे अच्छे घोड़े हैं और सबके दुनिया की सबसे बड़ी रेस है जो रेबियन की होती है। वो ये भी कह रहे थे आई थिंक कि थारोब्रेड जो घोड़े हैं वो भी रेस में हिस्सा लेते हैं। रेस में तो दुनिया में वैसे जो नॉर्मल रूटीन की जो रेस होती है ना, पाकिस्तान में या यूरोप कंट्री में कितनी कंट्री भी हैं उसमें थारोब्रेड की होती है। अरेबियन घोड़ों की रेस होती है, बहुत बड़ी रेस कोई कभी कभी। अच्छा, जो रूटीन में होती हैं वो थारोब्रेड घोड़ों की रेस, घोड़ियों की होती है। जो ये डर्बी रेस होती है जी, हमारे पाकिस्तान में जो डर्बी रेस होती है वो भी थारोब्रेड की होती है। हमारे पाकिस्तानी कच्चे के घोड़े भी होते हैं, मिक्स ब्रीड भी है उसमें, पर प्योर देसी नहीं है। और ये जो आपको नज़र आ रही है हमारी नमस्ते घोड़ी, लेफ्ट साइड वाली राइट वाली, ये लेफ्ट वाली लंबी जादों वाली जी, ये लंबी जादों वाली जो घोड़ी है ये बाहर से इनफोल मंगाई थी, यानी कि प्रेग्नेंट आई थी जी। और इसने बड़ा खूबसूरत बच्चा दिया है, इंशाल्लाह इसका बच्चा अब रेस में हिस्सा लेगा TM फार्म की तरफ से, जो हमारे लाहौर रेस क्लब में रेसें होती हैं उसमें हिस्सा लेगा। पर उसमें अभी इंशाल्लाह कोई 1-2 साल के बाद वो मैदान में उतरेगा, इंशाल्लाह TM फार्म का नाम रोशन करेगा। जो घोड़ी ये आपको वदाद नज़र आ रही है, ये 2021 में डर्बी रेस के सेकंड रेस होती है इंग्लिश घोड़ों की, उस रेस में इसने हिस्सा लिया और ये सेकंड हुई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में आके ये वदाद घोड़ी सेकंड हुई है रेस में, डर्बी रेस में। बड़ी खूबसूरत ये भी मेर है, यंग है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके बच्चे हैं जो वो रेसों में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इस घोड़ी की हाइट क्या है? इसकी हाइट दोनों की तकरीबन पमाइश नहीं की, पर जितनी हाइट की ये बड़ी घोड़ियाँ हैं तकरीबन 63 इंच के करीब होगी, 63 इंच के करीब। हाँ जी। और एज के हवाले से भी दोस्तों को थोड़ा सा बताइएगा। एज जी, दोनों यंग घोड़ियाँ हैं, एक इस वक्त 5 साल की है, एक 4.5 साल की है, यानी कि सेम ही है। हाँ जी। और दोबारा ये कवर हो चुकी हैं या नहीं? नहीं, दोबारा अभी कवर होनी है। तो कवर क्यों नहीं करवाई आपने अभी तक, क्या वजह? ये सीज़न में खुद ही इनका सीज़न होता है, ये ईट पे आती थी, इंशाल्लाह कवर करवाएंगे, इनसे अच्छे बच्चे लेंगे जी। तो दोस्तों ये थारोब्रेड घोड़ियाँ हैं, हम शुरू में ट्रैक से हट गए थे थोड़ा सा, तो बेसिकली आपको इन घोड़ियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो देना थी। और अगर आप दोस्त थारोब्रेड घोड़ों का शौक़ रखते हैं तो TM फार्म पर जो इसके स्टैलियन हैं वो भी मौजूद हैं, आप दोस्त शौक कर सकते हैं। ये नमस्ते घोड़ी है, 240 की चेक करें, और रेस में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये दौड़ती है। इनका जरा बच्चा ना जनाब बहुत अच्छे स्टैलियन है,
बहुत अच्छे स्टैलियन है इंशाल्लाह। वो जो रेस क्लब च उतरेगा ना और हैंडीकैप चेक करेंगे, हैंडीबैक कैप इन्होंने बुक्स होंगी है, उन पूरी हिस्ट्री होंगी इनकी बैक, देखेंगे उन्होंने मज़ा आएगा इंशाल्लाह मैदान जो उतरेगा घोड़ा, तो ये इंशाल्लाह जिंदगी रवे उदो शौक करावे जी। जरूर दोस्तों शौक करावे। अगली रेस कि आ रही पाकिस्तान च? पाकिस्तान च वैसे तो हर इतवार रेस होंगी है, रेसा होंगे, बरल डरबी जी आएगी, डरबी के हो सकता असी अबदाद घोड़ी दोबारा असी दौड़ाइए लैके जाइए रेस क्लब जी। तो दोस्तों वास्ते अगे टोरो जी पिछे अबदाद टोरो, एक दफा टोर के तुम चेक करवा दें। घोड़ी की खूबसूरती देखो जनाब, हाइट देखो, पुट्ठा देखो कि खूबसूरत है, बहुत स्ट्रोंग घोड़ी है जी। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।